दोस्तों, इस ट्रिक के लिए आपको चाहिए दो मोबाइल, एक आपका खुद का और एक दूसरा जिसके व्हाट्सएप को आपको देखना है। ये फ़ोन आपके फ्रेंड्स का हो सकता है या फिर आपके फैमिली में भाई बहन का हो सकता है, किसी भी मेंबर का हो सकता है, या फिर यदि आप पेरेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे क्या करते रहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप ये आसानी से जान सकते हैं वो किसके संपर्क में रहते हैं और क्या क्या करते हैं। तो चलिए दोस्तों, डिजिटल दोस्त में आपका स्वागत है। तो अब बिना समय गवाए ट्रिक शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ट्रिक को यूज़ में लेने के लिए हमें चाहिए दो फ़ोन, एक अपना खुद का और एक आपके फ्रेंड का हो सकता है, आपके फैमिली के किसी मेंबर का हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों ही फ़ोन मौजूद हैं, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए, खुद के मोबाइल में पहले आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है प्ले स्टोर में और वहाँ पे आपको सर्च में टाइप करना है व्हाट्स स्कैन। तो ये देखिए व्हाट्स स्कैन आ गई, व्हाट्स स्कैन फॉर व्हाट्स वेब। तो ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है, 8 MB का ऐप है और बहुत ही लाइट वेट, बहुत ही बढ़िया है। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों लोडिंग हो रही है और इसके ऊपर अब एक QR कोड आएगा, QR कोड जनरेट होगा जो हमें इस फ़ोन से एक्सेस करना है। तो आपको सबसे पहले तो ये होना ये चाहिए कि आपको WhatsApp ओपन करनी है उस फ़ोन के अंदर, और यदि ऐप लॉक कोई लगा हुआ है WhatsApp के अंदर तो वो आप उससे पूछ लीजिए अगले से। कैसे भी करके आपको WhatsApp तो एक बार ओपन करनी ही पड़ेगी इस फ़ोन के अंदर। फिर आपको जाना है यहाँ पे ऑप्शंस में, यहाँ पे आपको मिलेगा WhatsApp वेब, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये स्कैन करेगा QR कोड, तो QR कोड अपने फ़ोन से इसको स्कैन करवा दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, स्कैन हो गया है कोड और अब इसके ऊपर ये पूरी की पूरी इस फ़ोन की व्हाट्सएप खुल जाएगी और मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से हम मैसेज भी भेज देंगे। ये देखिए दोस्तों, तो चलिए अब मैसेज मैं भेज रहा हूँ विजय को, तो विजय को मैं ओपन करता हूँ। अब देखिए, जैसे आप देख सकते हैं साइज़ इसकी थोड़ी बढ़िया आएगी, और इसके अंदर भी दोस्तों मैं विजय ओपन कर रहा हूँ, तो ये देखिए। तो ठीक है, दोनों के अंदर ये खुल रहा है, पूरे के पूरे आपको मैसेज दिखा रहा है कैसे क्या है। अब मैं इसको कुछ इमोजी भेज रहा हूँ, देखिए ये। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इमोजीज जो मैंने टाइप किए वो आ गई हैं। मैं सेंड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये सेंड जो हो गई, और यहाँ पे देखिए ये अपडेट आ गया। देखो इसके अंदर भी ये बता रहा है। अब जैसे मैं इस फ़ोन से भेजता हूँ कुछ भी मैसेज, जैसे अच्छा है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी वो मैसेज आ जाएगा। ये देखिए, वो पूरा का पूरा उसी टाइम पे आ रहा है, एक भी सेकंड की जो है देरी नहीं हो रही है। इस फ़ोन से जैसे मैसेज भेज रहा हूँ, तो ये लीजिए, मैंने सेंड पे क्लिक कर दिया, ये लीजिए, तो यहाँ पे अभी आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से आप व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो कि अगला कौन किस किस को कब कब मैसेज भेज रहा है, कौन कौन उसके कॉन्टेक्ट्स में है, आप सब कुछ देख सकते हो इसके द्वारा। और तो और दोस्तों, आप यहाँ से देखिए प्रोफाइल एंड स्टेटस का भी आपको ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप प्रोफाइल फ़ोटो और स्टेटस भी बदल सकते हैं। दोस्तों जब ये फ़ोन इंटरनेट से डिसकनेक्ट हो जाएगा, जैसे मैं इसे डिसकनेक्ट कर रहा हूँ, तो दोस्तों जैसे ही आपने देखा कि यहाँ से मैंने वाईफाई को बंद कर दिया इस फ़ोन के अंदर, तो यहाँ से भी देखिए ये नॉट कनेक्टेड आ गया है। और तो अब आपकी कोई भी चैट हिस्ट्री अपडेट नहीं होगी और आप भेज भी नहीं सकेंगे यहाँ से मैसेज। तो जब भी अगला ऑन करेगा नेट इसके अंदर, इस मोबाइल के अंदर, तो आपका ये फिर से कनेक्ट हो जाएगा, इससे देखना फिर से लिंक हो जाएगा। अभी ये बता रहा है नॉट कनेक्टेड, ये देखिए कनेक्टिंग टू व्हाट्सएप, बैटरी लो हो गई इसकी, देखिए अब ये कनेक्टेड हो चुका है। अब फिर से हम यदि किसी को मैसेज भेजना चाहें
तो हम आराम से भेज सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैसेज चला गया है और इसके अंदर भी बता रहा है ना। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी एक ट्रिक है और आप काम में ले सकते हो, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके इसका सही उपयोग करें आप चाहें तो, आपको कोई गलत उपयोग नहीं करना है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर अगला वो फ़ोन का मालिक जब इसको खोल के और यहाँ से व्हाट्सएप वेब पे क्लिक कर दे तो उसको यहाँ पे पता चल जाएगा कि लॉग्ड इन कंप्यूटर्स, यदि वो जान पाएगा कि ये लॉग्ड इन कैसे हो गया, क्या है व्हाट्सएप वेब, यदि उसे पता चल गया कि कोई हमारी देख रहा है, हमें लॉग इन करके कोई हमें देख रहा है हमारी व्हाट्सएप को, तो यहाँ से लॉग आउट पर दबा देगा, साफ सी बात है। और लॉग आउट होने के बाद में आपका पूरा का पूरा लिंक जो है यहाँ से टूट जाएगा। तो ये केवल एक लिमिटेड, एक टेम्परेरी यूज़ है, एक टेम्परेरी ट्रिक है, लेकिन ये काम कर जाएगी जब तक कि अगला यहाँ से इसको लॉग आउट ना करे, जब तक कि अपने फ़ोन से, तो तब तक ये ट्रिक अच्छे से काम कर जाएगी। तब तक आप इसका मज़ा लीजिए आराम से, बहुत ही अच्छी एक ऑफिशियल ट्रिक है और ये कोई ट्रिक नहीं है वैसे, ये व्हाट्सएप ने बनाई है दो फोन्स में एक व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए। जैसे आपके पास ये दो फ़ोन है तो आप आराम से उसमें दोनों में यूज़ कर सकते हो, किसी भी को भी खोल के रिप्लाई दे सकते हो, इसलिए बनाई है। तो दोस्तों अब आपका काम है कि आप डिजिटल दोस्त को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको और इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें, और इस घंटी के आइकन पे भी क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सीधे मोबाइल के अंदर मिल जाएँ, क्योंकि मैं इसी तरह की और टेक्निकल वीडियोज़ हिंदी के अंदर आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो डिजिटल दोस्त को आप कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो के नीचे भी आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, तो उसे यहाँ से दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक करनी है आपको, साफ सी बात है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।